हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं बना रही हूँ अपना ब्लॉग। तो आज से ट्विंकल का स्कूल रीओपन हुआ है और अभी थोड़ा देर बाद ट्विंकल को लेकर मैं जाऊँगी, स्कूल के लिए निकलूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ रिवीजन, आज से उसका एग्ज़ाम है, तो रिवीजन इज़ मस्ट। तो आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो इसलिए उसको मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर दे रही हूँ। सुबह में थोड़ा सा क्विक रिवीजन एक हो जाए तो उसके बाद फिर स्कूल चली जाएगी और फिर एग्ज़ाम जाके दे देगी। तो क्या बताओ फ्रेंड्स, कल रात में करंट चला गया था, यही रात के 12:15 बजे तक करंट गया था और काफ़ी लेट से आया करंट। मीन्स ये कितना बजा था, 2 समथिंग हो रहा था तब जब करंट आया। युवान से सोया हुआ था पर बहुत मुश्किल हो रही थी, मतलब फ़ैन करना, उसके बाद सोना, हाथ दर्द हो गया था पूरा। मतलब ऐसा हाल गर्मी के टाइम हो जाता है ना, कभी कभी फ़ैन मतलब करंट ही चला जाता है। पता नहीं क्या फॉल्ट हुआ था, क्या हुआ था समझ में नहीं आया। उस दिन में भी गया, फिर कल रात को भी गया, बहुत समस्या फेस करना पड़ा सोने के टाइम। तो ठीक से नींद भी पूरी नहीं हुई है, पर एनीवेज नींद पूरी हो या ना हो, और बच्चे को स्कूल भेजना ही पड़ेगा और जो कि ट्विंकल का एग्ज़ाम है तो उसको तो आज जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ठीक है, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सुबह सुबह ये रेडी होके मेरे पास रिवीजन करने बैठी है और ये आगे महाराज जी भी बैठ गए, इनको भी थोड़ा पैम्परिंग, मॉर्निंग पैम्परिंग चाहिए। तो सॉफ्टी भी आके यहाँ पे चुपचाप बैठ गए और इनको तो कोई काम धाम है नहीं, इनको बस सॉफ्टी को थोड़ा पैम्परिंग करना है सुबह में। ये नहीं कि थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लें, मैं जहाँ बैठी हूँ कुछ नहीं खाया। हाँ मुझे तुम दी, हाँ मुझे दी हो पूछने के लिए, मगर ये तो तुम इसको प्यार कर रही हो तो फिर मैं पूछूंगी कैसे, बोलो। आंसर तो अरे वाह, क्वेश्चन मैंने बोला भी नहीं, आंसर ये बोल भी दे रही है, वेरी गुड। तीसरा है yes, जो Yes, the mountain is proud of its gigantic size and power. Very good. मतलब सब कुछ अच्छे से लर्न है तुमको। हाँ हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से लर्न है, ठीक से एग्जाम देना। और ये महाराज छुटकू महाराज मेरे, ये क्या कर रहे हैं बैठे हुए हैं, इसका बदमाशी देखिए। ये मेरे गद्दे को यहाँ पे ऐसे फेंक देता है और इसके ऊपर से स्लाइड स्लाइड करता है, मतलब पार्क जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने पार्क को घर को घर में ही पार्क बना लिया है। हाँ, दो, थैंक यू, जा करो, दिखाओ सबको, दिखाओ तुम क्या कर्तव्य करते हो, वेरी गुड। मतलब बदमाशी करने के अलावा भी ये लोग ये सब भी कर लेते हैं, ये आप देख सकते हो, देखो कितने आराम से कर लेता है स्लाइड। पार्क जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, जितना स्लाइडिंग घर में ही हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, सॉफ्टी कैसे अपना कोलमी साग एंजॉय करके खा रहा है। उसको मैंने फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा कोलमी साग दिया है ताकि इसको भी गर्मी का एहसास ना हो, ठंडा लगे। और ये यहाँ पे मैंने इसको रोटी थोड़ा दिया था तो ये रोटी इसने थोड़ा सा खा के वहाँ पे छोड़ दिया है और अपने साग को इंजॉय कर रहा है, ना कि रोटी को। ये इसको, ये बेचारे को बहुत गर्मी लगता है इतने गर्मी में, ये कितना इसको भी गर्मी लगता होगा मैं समझ सकती हूँ। ये कितना अच्छा से इंजॉय करके खा रहा है फ्रेंड्स, देखिए बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा है। और इसके बगल में पानी भी रखा है मैंने, पानी एनी टाइम रखा रहता है, उसको जो प्यास लगती है तो वो पीता है और नहीं तो आराम से अपना खाता पीता रहता है और फिर सोता है। अभी थोड़ा देरी हुआ सो के उठा, वो कॉन्शियस हो गया, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना उसको, वो समझ गया कि मम्मा मेरा वीडियो बना रही है इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं खाना है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।